दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त मैं हूं नारायणा स्कूल में, सेक्टर 77 ग्रेटर फरीदाबाद में, और यहां पर बच्चों के लिए आज बहुत बढ़िया इवेंट्स रखे गए हैं। एक्स मास एक्सप्रेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये अभी प्रोग्राम में आई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता नाहटा है। ये बच्ची आपकी क्या यहाँ पर पढ़ती है? ना, ये यहाँ नहीं पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? ये MDPS में पढ़ती है। आज यहाँ पर क्यों आई हैं आप? यहाँ पे डांस परफॉर्म करने आई थी, टैलेंट हंट का कंपटीशन था। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। बढ़िया लगा आपको यहाँ पर? जी बहुत अच्छा था। और क्या देखा आपने, स्टॉल वगैरह देखा आपने? हाँ, स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, मैंने ज्यादा नहीं देखे। मेरा एक्चुअली अभी घर जाना। डांस किया इसने? हाँ इसने डांस। क्या नाम है इसका? पार्श्वी नाहटा। बेटा आप बताओ, डांस किया आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? पार्श्वी नाहटा। अच्छा लगा आपको? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रबी केजी में पढ़ती हो। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैडम को भी अच्छा ही लगा। आइए आगे चलते हैं और आपको पूरा स्टॉल दिखाते हैं। थैंक यू मैडम। तो हाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा बोर्ड दिखाइए, नारायणा ई टेक्नो स्कूल सेक्टर 77। और आज यहाँ पर क्या है? टैलेंट हंट है, नासा प्रोग्रामिंग है, सेल्फी कॉर्नर है, फन गेम्स है, टैटू मेकिंग है, फूड स्टॉल्स हैं, कपल डांस है, सरप्राइज गिफ्ट्स है। तो बहुत सारी चीज़ें। बच्चों अच्छा लग रहा है आपको? सबको अच्छा लग रहा है? क्या नाम है बेटा? पार्थ धनकर। यहीं पर पढ़ते हो या बाहर? यहीं पर पढ़ते हैं। यहीं पर पढ़ते हैं। सबको अच्छा लगा? सबको ही अच्छा लगा। अच्छा स्कूल, चलो अच्छी बात है। देखिए बच्चे तारीफ कर रहे हैं, स्कूल बहुत बढ़िया है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको दिखाते हैं एक एक करके। स्टॉल वगैरह दिखाते रहो, बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। बेटा क्या नाम है? दीक्षांत। क्या बजा रहे हो ये? हाँ गिटार है। गिटार है। गिटार बजा रहे हो? हाँ। आप यहीं पढ़ते हो? हाँ हम यहीं पढ़ते हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा काफी। टैलेंट हंट्स है और भी चीजें हैं, स्टॉल वगैरह अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहे हैं। चलो अच्छी बात है, देखिए सबको अच्छा लग रहा है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। इधर दिखाओ, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा स्टॉल आपको दिखाते हैं घुमा घुमा के। ये देखिए गेम्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी गेम्स हैं। आइए बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फूड स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। देखो इधर कपड़े वपड़े भी रखे गए हैं। इधर क्या है, गेम्स वगैरह हैं। कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया है, बहुत मस्त प्रोग्राम आज जो ऑर्गेनाइज हुआ है, कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा सही है, सही है। पढ़ते हैं आप लोग? हाँ जी सर, यही पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, डांस वांस किया आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं किया, करेंगे। अभी नहीं करेंगे अभी। गेम्स हो रहा है यहाँ पे? हाँ बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं वहाँ पे, हो रहे हैं सारे। चलो अच्छी बात है, देखिए बच्चे खुश हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इधर फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, और आपको बता दें ये सब के लिए है, जरूरी नहीं कि नारायणा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही प्रोग्राम है। इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो टैलेंट हंट हो या यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी अपने बच्चों को ला सकता है। जो भी जानकारी आपको मिलेगी सबको मिलेगी। और यहाँ पर नासा का प्रोजेक्ट लगाया गया है ताकि बच्चों को नासा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। आइए भाई साहब से बातचीत करेंगे, यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाया है ये क्या जानकारी देते हैं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर नहीं आए हैं उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये प्रोजेक्ट आपने लगाया है, इसका क्या पर्पज़ है? सर इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि देखिए, मान लीजिए अभी हमने कोविड देखा था, सो आफ्टर कोविड वी कैन सी दैट कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन फ्यूचर भी। तो हमें क्या करना है, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि बहुत बड़ा डिजास्टर अर्थ पर आए और पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आए, तो उस केस में हमें कुछ ह्यूमंस को बचाना है ताकि ह्यूमैनिटी बच सके। तो उसके लिए हमने कुछ आर्टिफिशियल कॉलोनी स्पेस में बनाने की सोची है, जैसे मार्स के आसपास बना सकते हैं, सीरीज बेल्ट के आसपास बना सकते हैं, या नेपच्यून के आसपास बना सकते हैं। उससे हमें कई फायदे होंगे सर, जैसा कि एक तो हम ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं, दूसरा फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर जाके लगभग 30 से 40 साल बाद या 50 साल बाद हमें अपने सोलर सिस्टम के अलावा भी बाकी सोलर सिस्टम्स को रिसर्च करना होगा। तो उस केस में जब साइंटिस्ट यहाँ से जाएंगे तो उन्हें रास्ते में कहीं ना कहीं जगह भी चाहिए रुकने के लिए, तो उस केस में हम उन्हें एज अ स्पेस होटल दे सकते हैं, उस चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से बहुत सारे वो अपने माइक्रोस्कोप्स लगा सकते हैं, टेलीस्कोप्स लगा सकते हैं, ताकि वो आउटर वर्ल्ड को भी देख सकें। ये आपने जो पोस्टर्स लगाए हैं इसका क्या पर्पज़ है, इसमें क्या जानकारी देना चाहते हैं आप, थोड़ा सा ये बताइए। जो पोस्टर आपने लगाए हैं, जैसे ये पोस्टर्स आपने लगाए हैं,
इसमें क्या जानकारी दे रहे हैं बच्चों? देखिए बेसिकली जो सबसे पहला पोस्टर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है। उसके अलावा जो नीचे है ये हमारी अर्थ है, अर्थ के थ्रू इस तरीके से रॉकेट्स जाएंगे जो हमारे स्पेस को कवर करेंगे और हमारे जहाँ पर भी आर्टिफिशियल प्लैनेट्स होंगे या स्पेस कॉलोनीज होंगे या स्पेस होटल्स होंगे वहाँ तक लोगों को पहुँचाएंगे ये। इसके अलावा ये हमारे कुछ बस्टर्स भी हैं जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें स्पेस में ऐसी हो रही हैं जो जिनके ऊपर हमें आज भी रिसर्च करने की कोशिश करनी है और इन फ्यूचर और भी उनके ऊपर काम करना है। सो ये सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड है। इसके आइए उधर भी दिखाते हैं आपको, बहुत सारे पोस्टर हैं। देखिए सारे बच्चे तो यहाँ पर फरीदाबाद के आ नहीं सकते। हाँ आइए सर आइए, क्या जानकारी मिली इस पोस्टर से आपको? क्या नाम है इसको छोड़िए, हाँ क्या नाम है आप? वंश ध्यानी। यही पढ़ते हैं आप? यस सर। क्या जानकारी मिल रही इससे? सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक एस्ट्रोनॉट है, वो मार्स पे खड़ा है और यहाँ पे हम स्पेस सेटलमेंट को देख सकते हैं। तो हमारा बेसिकली यही एम है नासा का कि हम एक स्पेस सेटलमेंट बनाएं ताकि जो कि ह्यूमंस है वो आगे जाके स्पेस सेटलमेंट में रह सके। जैसे कि अभी कोविड आया था, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, अर्थ पे कोई डिजास्टर्स आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया आपको? मतलब मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर हर्षिल। सामने से घूमे। अब क्या सीखा आपने आज यहाँ पर? सर मैंने यहाँ पे सीखा है कि स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है और मुझे स्पेस में वैसे भी इंटरेस्ट है, सो मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा लगा आपको? हाँ, आपको बेटा अच्छा लगा? इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? ओजस। आप किस में, कौन सी क्लास में है? 8th। आपको पसंद आया प्रोजेक्ट? बहुत पसंद। समझ में आया कुछ? सब समझ में आया। चलो अच्छी बात है। आइए सर, ये क्या है, ये वाला ये पोस्टर आपने लगाया है? देखिए सर। अच्छा, बच्चों को सिर्फ एक जानकारी देने के लिए आपने पोस्टर लगाए हैं? ये बच्चों को जानकारी देने के लिए एक पोस्टर लगाया है। इसके अलावा ये एक हमारा प्रोजेक्ट है और ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जाके जो हमारी स्पेस कॉलोनीज होंगी वो किस तरीके से बनेंगी। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि कम्प्लीटली एक सिमेट्रिक पिक्चर है, इसके अंदर इस पार्ट में लोग रह सकते हैं, इस पार्ट में भी, किस तरीके से वहाँ पर स्टोरेज होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा और इसके अलावा हमें वहाँ पर तरह तरह के रेडिएशन से कैसे बचना है, ये सारी जानकारियाँ हम इन प्रोजेक्ट्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू बताने के लिए। ये बहुत बढ़िया जानकारी दी थी, बहुत बढ़िया जानकारी दी है, इतनी जानकारी हमें भी नहीं थी। अब हमारे साथ हैं नारायण स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। आज आपने ये तमाम स्टॉल्स लगाए हैं, बहुत बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या पर्पज़ है, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? इसका मेन पर्पस है कि नारायणा टेक्नो स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 7 सभी रिलीजन्स को सेम इम्पोर्टेंस देता है और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड रहते हैं। स्टडीज़ ही नहीं, उनका टैलेंट क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या कैसा रहता है, सब बच्चों को पेरेंट्स को भी पता चलना है। यहाँ पे ओनली हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स भी आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टैलेंट शो इवेंट हो रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में, वो भी पार्टिसिपेशन अभी नासा प्रोजेक्ट देखा है और बहुत बच्चों ने बहुत स्टॉल्स भी अपना ओन आइडिया से इंस्टॉल करके वहाँ से पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, प्रोजेक्ट कॉर्नर्स, मीन्स वी आर इन टू एवरी एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि ओनली स्टडीज एंड दिस, वी आर इन ईच एंड एवरी सेगमेंट एंड एवरी एरिया। अधिकतर जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा आप लोगों को? हाँ जी। आज का जो ये स्टॉल लगा, जो प्रोजेक्ट लगा नासा वाला, कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। बढ़िया लग रहा है। कौन सी क्लास में है आप? 10th। आप? 10th। आप सभी 10th में हैं, तो अच्छा लग रहा है बच्चों को भी। बाकी यहाँ पर बाहर से भी लोग आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने टैलेंट हंट जो आपका प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट किया है तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या पर्पस था इसका? ये टैलेंट हंट पर्पस है कि टैलेंट हंट का मेन पर्पस है बच्चे इनर हिडन टैलेंट रहता है, वो इनर टैलेंट को स्कूल्स में समटाइम्स प्रेजेंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते। अगर उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट करने में उनको आई मीन दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। सो दैट वॉज अवर मेन पर्पस। इसका पूरा ऑर्गेनाइजिंग मेरे पूरा टीम ने किया हुआ, स्पेशली मेरा ई चैम्स डिपार्टमेंट, ई टेक्नो डिपार्टमेंट, ई किड्स डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट, एवरी वन हेल्प हियर। यहाँ पे 3 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स स्टूडेंट्स तक पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली सिंगिंग, ओनली डांसिंग, इंस्ट्रूमेंटल पार्टिसिपेशन इज देयर। दे कैन सिंग, दे कैन डांस, दे कैन चरिश देयर आइडियाज, एवरीथिंग। तो इससे बच्चों को ही नहीं, सभी को हम बताना चाह रहे हैं कि नारायणा इज बेस्ट इन एवरी एरिया। तो कोई एडमिशन लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है उसका?
यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट को पहला बात हम बोलना चाह रहे हैं कि टेस्ट नहीं लेते हम बच्चों को, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज़ टैलेंटेड स्टूडेंट, कोई भी जीरो में नहीं रहता। उनका एक प्रोसेस है, उनको आइडिया कैसा देना सब्जेक्ट में, उनका टैलेंट, हिडन टैलेंट को बाहर लेके आना है। सब्जेक्ट में भी वैसा रहता है। और बच्चों को मेन पर्पस यहाँ पे CDF, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेफिनेशन फॉर्मूला, मोस्ट बच्चे मैथ्स में बहुत वीक रहते हैं, उसके वजह से पीछे चले जाते हैं, पढ़ने में भी डरते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया तो डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन आएगा तो फॉर्मूला आएगा, ये तीन आएंगे तो बच्चे ओवरऑल दे कैन डू वेल। यानी बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, भी है तब भी आगे बढ़ जाएंगे। मैथ्स ही नहीं, हम इंग्लिश, सोशल, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इस BES एग्जाम बोल के भी कंडक्ट करते हैं बच्चों को, क्योंकि थोड़े अधिकतर 50 से लगभग 50% या 60% बच्चे बायोलॉजी, इंग्लिश में भी बहुत टैलेंट रहते हैं, लिटरेचर में भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो बच्चों को भी स्किल्स चेक करके 6th क्लास लेवल में से ही हमको उनका बेसिक निकाल के फिर 10th के बाद कौन सा वे में रहना, अगर वो जो लेना चाह रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में जो चूज़ करना चाह रहे हैं उस स्टैंडर्ड में ये फिट हो सकते नहीं हो सकते, ये सब हम उनको पहले ही बताते हैं बच्चों को। सो इस तरह यहाँ पे अगर नारायणा में ज्वाइन होना बोले तो एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं रहता, डायरेक्टली दे कैन कम एंड दे कैन ज्वाइन, लेकिन लिमिटेड सीट्स रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 700 स्टूडेंट्स हैं हमारे ब्रांच में, सो हार्डली 200-300 ही हम फिल कर सकते हैं। तो चलो धन्यवाद बताने के लिए। अब जिसको एडमिशन लेना होगा ज़रूर आपसे संपर्क करेगा। तो यहाँ पर टैलेंट हंट वाला कंपटीशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग कंपटीशन है, ये देखिए बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, थोड़ा दिखाओ कैमरामैन, थोड़ा घुमा के दिखाओ, बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। बेटा इधर, क्या नाम है? युविका। ड्राइंग कर रही हो आप? यस। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पार्टिसिपेट करके? यस सर। यहीं पर पढ़ते हो आप? यस सर। ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ बढ़िया लगा आपको? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, आइए फ्रंट से दिखाते हैं, इधर से दिखाओ, हाँ इधर दिखाओ, देखिए बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर भी दिखा दो, ये सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों, मज़ा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है और सारे बच्चे खुश हैं ड्राइंग करके और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। और यहाँ पर डांस कंपटीशन हो रहा है और बाहर से भी बच्चे आए हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी ये गिटार वगैरह बजा रहा है बच्चा, आइए दिखाते हैं आपको, देखिए बच्चा गिटार बजा रहा है, अब इधर दिखा दो, ये सारे लोग आए हैं इनको दिखाओ, थोड़ा घुमा के दिखाओ, देखिए तालियां बज रही हैं, तो बढ़िया यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा yes, लग रहा है आपको? अच्छा yes. आपको मैडम सही लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? सारे लोग हाथ उठा के बताओ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मैडम, प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है, आप बताइए यहीं पढ़ाती हैं क्या? नो सर, आई एम अ जज हियर। बाहर से? अच्छा जज, अच्छा बढ़िया प्रोग्राम। हाँ जी बिल्कुल। जज का नाम बता दीजिए। दीपाली, मिस दीपाली। आप मैडम? आई एम आल्सो वन ऑफ द जज। अच्छा। टीचिंग हियर प्यार इंग्लिश या माधुरी, मिस माधुरी। आप भी जज हैं? सर वी आर हेल्पिंग हर। माय नेम। आप सभी टीचर हैं यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है, देखिए जज को भी अच्छा लग रहा है, टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये दिव्यांग है जो अभी गिटार बजा रहा था, यही गिटार बजा रहा था ना अभी? हाँ ये गिटार बजा रहा था, दिव्यांग है, इससे भी बातचीत करेंगे, इसको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा, आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। बच्चा क्या नाम है आप? हाँ क्या नाम है आप? मेरा नाम समर्थ है। कहाँ पढ़ते हैं आप? इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। इसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपने अभी गिटार बजाया तो एक टैलेंट हंट कंपटीशन है, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। गिटार आप पहले से बजाते हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, जब मैं 4th में था तब से बजा रहा हूँ। इंटरेस्ट है आपको गिटार? हाँ हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना थोड़ा स्टडी में ध्यान देने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए थोड़ा कम कर दिया था, आज मौका मिला तो आज बजाया। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो देखिए सबको अच्छा ही लग रहा है, बाकी जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर BPTP थाने के सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज सर आप प्रोग्राम में आए नारायणा स्कूल में, बच्चों के लिए स्टॉल्स हैं, टैलेंट हंट कंपटीशन है, तो आपको कैसा लगा सर यहाँ पर? आप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे होता भी रहना चाहिए प्रोग्राम, बच्चों के लिए बढ़िया है ऐसे प्रोग्राम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपने भी स्टॉल वगैरह देखे? हाँ सर, स्टॉल को हमने देखा है। आपको भी लगा कि बढ़िया है ना बच्चों? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।